कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो गाइस आज यार हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर तुम सबके कहने पे, क्योंकि यार मैंने तुम सबसे पूछा था कि भाई मैं क्या क्या कंटेंट डालूं इस चैनल पे। तो भाई तुम में से कई सारे लोगों ने कहा कि भाई माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेलो, और भाई मैं आज वो करने वाला हूँ और बाकी फेस कैम के साथ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। और मेरे को पता है कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा कि मैंने फेस कैम वीडियोज़ के बारे में कब बात करी, तो जाके तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो और जाके देखने तो देख लेना। वैसे अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब फेस कैम वीडियोज़ आ चुकी है तो इसमें मजे उठाओ। और भाई फटाफट से काम करते हैं, पहले अपने हम लोग वर्ल्ड वगैरह क्रिएट करते हैं क्योंकि यार उसके बिना हम लोग नहीं जा सकते गेम के अंदर। तो फटाफट चलते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और बाकी लाइक वगैरह कर दो भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे तो कर दो जाके। और लाइक गोल वगैरह भाई मैं कुछ नहीं लगा रहा, देखते हैं कितना लाइक गोल तुम लोग कंप्लीट करते हो। लेट्स गो। और भाई हम लोग गेम में आ चुके हैं, यहाँ मेरे को फटाफट से भाई अपना वर्ल्ड बनाना है और क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का नाम क्या डालने वाले हैं हम लोग, जो कि भाई मेरे को भी नहीं पता। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ ये तेरा भाई ब्लैक, तेरा हाँ स्पेलिंग सही है भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, भाई ब्लैक। लेट्स गो। और भाई गेम मोड हम लोग रखेंगे हार्डकोर, तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं। और भाई कोई भी मैंने चीटिंग वगैरह नहीं करी है, पहले ही बता रहा हूँ, तो मैं दिख रहा होगा। और यहाँ पे वर्ल्ड के क्रिएट होने का वेट करते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। और भाई अभी के लिए मेरे को नहीं पता कि जो मेरी यहाँ पे स्किन है वो क्यों नहीं लगी हुई आई है। एक बार तो मैं दिखाता हूँ, देखो भाई मेरे को ये वाली स्किन मिली है और मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्योंकि यार मैंने अपनी स्किन लगाई थी इसके अंदर, पर हो सकता है क्या पता वो ऐड ना हुई हो। तो आज के लिए हम लोग भाई इसी वाली स्किन से काम कर लेते हैं, हम लोग बाद में स्किन ऐड कर लेंगे। तो भाई फटाफट से भाई ये हार्डकोर वर्ल्ड है तो भाई हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। और साथ साथ में भाई मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई हम लोग इस वाले वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी प्रोग्रेस करेंगे भाई हम लोग वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, हम लोग सारा काम आराम आराम से करेंगे, टाइम लेके करेंगे आराम आराम से, ताकि हम लोग बढ़ ना जाए जल्दी से। भाई अभी के लिए पहले भाई मेरे को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है वो है यहाँ पे भाई शीप। और देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे दो शीप है, तो भाई पहले इनको मार के हम लोग इनसे वूल वगैरह लेते हैं, क्योंकि भाई मेरे को पहले वूल चाहिए किसी भी हालत में, अदरवाइज मैं यहाँ पे बेड नहीं बना पाऊंगा, मैं अपनी रात सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई इतना धीरे क्यों है इसमें प्लेयर, हो सकता है मेरे को भाई पॉकेट एडिशन की आदत ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा हो। तो पहले से मारते हैं भाई हम लोग, लेट्स गो। मेरे को वहाँ पे फिर से शीप दिख रही है तो मैं दिखाता हूँ, देखो। और यहाँ पे चार शीप हैं तो चलते हैं भाई पहले उनके पास। और भाई यहाँ मेरे को आयरन भी मिल गया, मजे आ गए भाई। और कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या है मेरे को देखने पड़ेंगे, पर उससे पहले आसपास वुड तो कई सारी है तो मैं यहाँ से वुड लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे मैं जगह ना भूल जाऊँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ जगह, मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ें। लेट्स गो, चॉप करते हैं वुड को यहाँ से फटाफट से। पहले मैं काम करता हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ पे फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। पहले प्लैंक्स बनाते हैं, ठीक है भाई, कई सारे प्लैंक्स रेडी हो जाओ। और प्लैंक्स को भाई हम लोग यहाँ प्लेस करके क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, और एक क्राफ्टिंग टेबल भी रेडी है। अब यहाँ पे ई दबाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं भाई पहले कुछ स्टिक्स। और स्टिक्स ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे को दो ही स्टिक्स चाहिए, तो यहाँ पे चार स्टिक बन चुके हैं जो कि बढ़िया बात है। अब यहाँ पे जो इन स्टिक्स को और इसको यहाँ ऐसे प्लेस करते हैं, और इसको ऐसे ऐसे करते थे शायद, और यहाँ पे वुडन पिकैक्स रेडी है। बाकी भाई फटाफट से अब मैं काम करने वाला हूँ, पहले यहाँ पे कई सारे स्टोन कलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स बना के रेडी कर सकूँ, और उसके बाद मेरी स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो जानी है भाई। हाँ तो भाई यहाँ मैंने देखो कई सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिया है, और मेरे को वहाँ पे भी आयरन दिख रहा है जो कि शायद अब तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा, तो फटाफट से इसको भी कलेक्ट करके आते हैं भाई। पर उससे पहले ये वाला आयरन कलेक्ट करते हैं, और या उससे पहले मेरे को यहाँ पे बनानी पड़ेगी अपने लिए स्टोन की पिकैक्स, क्योंकि उसके बिना तो आयरन कलेक्ट होने से रहा। तो भाई फटाफट से यहाँ पे रखते हैं तीन स्टोन कुछ इस टाइप से, फिर रखते हैं इसके नीचे भाई दो स्टिक्स, और उसको इस टाइप से रख देंगे। और यहाँ मेरी स्टोन की पिकैक्स रेडी है, और भाई इसके साथ में अब मैं भाई यहाँ पे एक्स भी एक रेडी करने वाला हूँ, क्योंकि एक्स के बिना भाई मैं फाइटिंग वगैरह कैसे करूँगा। तो एक्स भी बनाते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपली पहले स्टिक्स बना के रेडी कर ली, उस स्टिक्स को यहाँ प्लेस कर दूंगा। और यहाँ पे सिंपली मेरे को कुछ इस टाइप से प्लेस करना होता शायद, और हाँ मेरे को रेसिपी याद है। तो यहाँ पे फटाफट से अब दबाते हैं, और यहाँ पे चलते हैं इसे लेके अपने आयरन के पास। किस्मत ही बुरी है, यहाँ पे आयरन मेरे को भाई दो मिल चुका है, यहाँ पे एक और इसे तोड़ते हैं, और भाई थोड़ा बहुत और चेक करने वाला हूँ मैं। और देखो भाई चेक करने से यहाँ मेरे को एक और आयरन मिल गया है, और यहाँ पे मेरी भाई एक वाटर बकेट रेडी हो जाएगी, क्योंकि मेरी भाई प्रायोरिटी लिस्ट ऐसी है, कुछ पहले मैं बनाऊंगा वाटर बकेट, फिर बनाऊंगा मैं शील्ड, उसके बाद सारे आयरन के टूल्स और आर्मर पीस बनाऊंगा मैं। तो ये मेरा प्लान है, और यहाँ पे फटाफट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर भी निकलना है मेरे को, बाकी का आयरन भी कलेक्ट करके आना है, जो कि मेरे को भी दिखा था और किस साइड था। तो गाइस वो रहा मेरा भाई आयरन, तो फटाफट से उसे भी कलेक्ट करते हैं, ये एक नहीं है भाई ज़्यादा ही है। तो मजे आ गए भाई एकदम मस्त तरीके से, मेरे को ऊपर ऊपर में यहाँ पे कई सारा आयरन मिल जा रहा है जो कि मेरे काम का ही है। और यहाँ मैं वापस से चेक करने वाला हूँ थोड़ा बहुत और डिग करके कि यहाँ मेरे को थोड़ा बहुत और आयरन मिल जाए तो मजे आ जाने हैं, पर यहाँ पे मिला नहीं मेरे को सैडली। और अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत और कोल है, इसको भी कलेक्ट करते हैं। और हाँ देखो मेरे को आयरन मिल चुका है, क्योंकि भाई जो ये वाली जगह होती है ना यहाँ पे आयरन बहुत जल्दी मिलता है। भाई सो गया मैं, और मैं बिल्कुल सही टाइम पर सोया हूँ भाई, मेरे को भी नहीं पता।
अभी भाई पक्का यहाँ पे मेरी ऐसी तैसी हो जानी थी, और यहाँ पे भाई मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक बार भी मर गया तो मैं पूरा मर जाऊँगा। और यहाँ पे आयरन और है क्या, एक बार चेक करते हैं। भाई कोल है बहुत सारा, तो एक काम करता हूँ यहाँ मैं सारा का सारा कोल कलेक्ट करता हूँ और फिर तुम्हें एक मिनट के अंदर मिलता हूँ। तो भाई यहाँ मैंने अभी के लिए बहुत सारा कोल कलेक्ट करा है, पर अभी के लिए मैं काम करने वाला हूँ। पहले यहाँ मैं अभी अपना हंगर बार पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ भाई मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ। और यहाँ मेरे को पहले फर्नेस बनानी है, और फर्नेस की रेसिपी सिंपल थी जो कि मेरे को याद है। और यहाँ पे फर्नेस रेडी, प्लेस करते हैं और कुक करते हैं, मुझे नहीं पता भाई। और यहाँ पे ये आयरन स्मेल्ट, अबे और हाँ मेरा जो बेसिक काम था अब वो सारा रेडी हो चुका है, और अब मैं एकदम मस्त तरीके से सरवाइव कर सकता हूँ बिना डरे। पर हाँ वाटर बकेट में वाटर की नीड है मेरे को, पहले वाटर ले लेते हैं। ओके तो अभी के लिए मैं काम करने वाला हूँ, मैं सिंपली ना अब यहाँ पे या तो एक विलेज ढूंढने का ट्राई करूँगा। मैं 5 से 10 मिनट लगाने वाला हूँ भाई विलेज ढूंढने के अंदर, अगर मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज भाई हम लोग यहाँ पे अपने घर बनाते हैं और उसके अंदर सामान वगैरह लगाते हैं और वीडियो को रैप अप करते हैं, क्योंकि भाई मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें बोला मैंने, क्योंकि हार्ड कोर है, रिस्क हम लोग 1% भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक बार अभी हम लोग मरे तो पूरा वर्ल्ड जाएगा तुम्हें पता है, और ऐसा शायद तुम लोग भी नहीं चाहते होगे मुझे लगता है, और मैं भी नहीं चाहता। तो चलो फटाफट से ढूंढते हैं विलेज, मिल जाता है ठीक है, नहीं तो भाई फिर करते हैं वही काम जो मैंने बोला। तो भाई वहाँ मेरे को कुछ तो दिखाई दे रहा है भाई डिफरेंट सा, एक बार जूम करते हैं, और भाई वो शायद हमारी 1.20 की नई रूनस है, एक बार उसे भी चेक करके आ जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मेरे को लगता है कि वहाँ मेरे को कुछ मिल सकता है लूट वगैरह, और अगर मिल गया ना कुछ बढ़िया तो मज़ा आ जाने हैं। अब यहाँ पे मस्त तरीके से ले लेते हैं लूट, और यहाँ चेस्ट है जो कि अच्छी बात है। और चेस्ट में क्या है भाई, मेरे को ज़ॉम्बी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सा ज़ॉम्बी यहाँ पे गार्गल कर रहा है भाई, देखो भाई देखो इसे देखो ना माने। तो भाई एक और आ गया भाई, छोड़ो इन्हें इग्नोर मारते हैं, फटाफट से लूट लेते हैं। और भाई इसने मुझे इतना सब कुछ दिया तो मैं अभी से कुछ देना चाहता हूँ भाई, तू रॉटन फ्लैश ले मेरे बदले में, अब ये भी खुश है भाई। यहाँ पे फटाफट से काम करते हैं, वहाँ मेरे को कई सारा शुगर केन भी दिख रहा है तो उसे भी कलेक्ट करके ले आते हैं, और उसके साथ में वहाँ मेरे को गलती से दिखाया भाई, बिल्कुल गलती से दिखाया, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा, और जाके मिल ही गया तो ले आते हैं भाई। और कहाँ था हाँ शुगर केन के पास, वहाँ पे तो चलते हैं। ओ वाहो इतना सारा डायमंड, वाहो मजाक कर रहा हूँ, गोल्ड है। और यहाँ पे इसमें क्या है, ग्लिस्टरिंग मेलन स्लाइस, जिसको मैं शायद खा भी नहीं सकता हूँ जहाँ तक मुझे याद है, बाकी एक बार टेस्ट करेंगे, अगर खा पाए तो बढ़िया होगा। मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का इतना सारा सामान है, सोने में बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ पे भाई सारा सामान मिल चुका है, यहाँ से गोल्ड का ब्लॉक भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि अपने पास आयरन की पिकैक्स है तो गोल्ड का ब्लॉक भी मिल गया अपने को आराम से। और इसके अलावा मेरे को जो चीज़ चाहिए वही नहीं मिली जो कि है विलेज, क्या पता इसके बाद विलेज ही मिल जाए। तो भाई यहाँ पे एक और रात होने वाली है, और भाई रात होने वाली इसका मतलब कि मैं वापस सोने वाला हूँ। यस मेरा एक ही काम है भाई आज के एपिसोड में, हमने करा क्या है, हमने करी है माइनिंग, हमने भाई टूल्स बनाए हैं, और हमने सिंपली बस कुछ नहीं करा, हमने सोया है बस यही करा है। तो भाई अब मैं एक सिंपल सा काम करने वाला हूँ जो कि भाई अपना घर बनाना, क्योंकि भाई अब मेरे को यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई दूर दूर तक विलेज वगैरह, तो मेरे को यही करना पड़ेगा। तो क्या कहते हो, यही अपना घर वगैरह बना के रेडी कर दे, जल्दी बताओ यार कमेंट्स में। मैं सोच रहा हूँ कि पहले यहाँ पे बस 4 आयरन है, अपने लिए ना एक आयरन की एक्स बना के रेडी करते हैं पहले, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हमारा जो काम है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बाकी कोलियरा इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसके स्मेल्ट होने का वेट करते हैं। तो भाई स्मेल्ट हो चुका है हमारे यहाँ पे 3 आयरन, और इसको यहाँ पे ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल फटाफट से,
और बनाते हैं एक सुंदर, एक सुशील, एक अच्छे घर की एक्स। तो यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ और यहाँ पे इसे ऐसे लगाता हूँ, तो भाई एक्स रेडी है। अब ढूंढते हैं भाई बढ़िया सी वुड, और भाई यहाँ पे ओक वुड का यूज़ करने वाला हूँ। चलो ओक वुड ही लेते हैं और कई सारी वुड कलेक्ट करते हैं। भाई हाँ, अब मैं तुम्हें घर दिखा सकता हूँ एकदम मस्त तरीके से। तो भाई तुम लोग देख पा रहे हो, यही है मेरा घर। और कोई भाई मैं ये क्यों दबा देता हूँ, और देखो भाई यही है मेरा घर। अगर तुम्हें दिख रहा है तो भाई इसकी ब्यूटी पर ध्यान दो। इसके अंदर दो दरवाजे लगाए हैं मैंने, साथ में ऊपर भाई स्टेयर्स लगाई हैं, और भी बहुत कुछ करा है भाई मैंने इसके अंदर। तुम्हें दिखाता हूँ फटाफट से। भाई तुम मुझे नूब समझ रहे थे क्या, जो कि मैं शायद से हूँ। और देखो भाई यहाँ मैंने टॉर्चेस लगाई है बिल्कुल नूब वाले घर की तरह। और यहाँ भाई मैंने दो बेड लगाए हैं, एक चेस्ट जिसके अंदर सारा सामान है, और इस चेस्ट के अलावा यहाँ मैंने एक फर्नेस, एक यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाया है, जो कि बढ़िया लग रहा है देखने में। और बाकी भाई कैसा लग रहा है फटाफट से कॉमेंट्स में बताओ। और भाई यहाँ पे रुको ज़रा। तो गाइस यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। प्लीज़ भाई इस गरीब के लिए लाइक कर दो भाई। इतनी एक्टिव नहीं करनी थी, पर कोई बात नहीं, लाइक कर दो। और जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, जाके सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा पहला एपिसोड था, डेट्स वाई भाई तुम्हें थोड़ा बहुत हो सकता है मज़ा वगैरह कम आया हो, पर कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करके भाई अपनी फेस कैम वीडियोज़ में थोड़ा बहुत काम करना चालू कराऊँ, तो धीरे धीरे करके आई होप मैं इम्प्रूव करूँगा और तुम्हें अच्छा लगेगा वीडियोज़ वगैरह देखना। और बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में। और अगर तुम्हें प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो जाके कॉमेंट करना, तुम सबके कॉमेंट पढ़ के ना अच्छा लगता है, और अच्छी वीडियो सुनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है मेरे को। बस इतनी सी बात थी, और बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पीस।